साइंस क्लासेस भाई रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी पढ़ रहे हैं क्लास 5 साइंस। ये आपके साइंस का 7वां चैप्टर होता है, चैप्टर 1.7 गेम्स। इसमें हम लोगों ने टीम गेम्स और इंडिविजुअल गेम्स के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने जाना था इंडिविजुअल गेम से लोग किस तरह से अपने ख्याति प्राप्त करते हैं और टीम गेम जो है वह जीवन में क्या क्या सारी चीज़ें बताता है। और हम लोग टीम गेम से बहुत सारे जीवन के मूलभूत बातों को सीखते हैं। अब आते हैं हम लोग कैप्टन ऑफ टीम। ठीक है, हेड ऑफ द टीम इज नॉन एज कैप्टन, माने जो हेड होते हैं। यहाँ देखिए दो दो कैप्टन को भी दिखाया है। ये हमारे भारत के क्रिकेट के क्रिकेट जो गेम खेला जाता है उसके पूर्व कैप्टन हैं। एक इधर आपके कपिल देव हैं, ठीक है, मेरे यानी मैं उसको टिक लगा के दिखाता हूँ और नाम भी लिखा हुआ है नीचे कपिल देव। ये कपिल देव हैं, इन्होंने 1983 में भारत के लिए विश्व कप जीता था। और नेक्स्ट जो है आप जानते ही हैं महेंद्र सिंह धोनी हैं, इन्होंने 3 कप भारत के लिए जीता था। एक आपका वर्ल्ड कप है ना, फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी होती है ICC चैंपियन ट्रॉफी, और T20 का पहला वर्ल्ड कप भी भारत को इन्होंने अपने कैप्टेंसी में जिताया था। कैप्टन हैज रिस्पॉन्सिबल टू टेक बेस्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द टीम प्लेयर्स थ्रू प्लेइंग ए स्ट्रेटजी ऑफ गेम। जब एक खेल हो रहा हो तो कैप्टन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हर एक प्लेयर से उसका प्रदर्शन जो है अच्छा करवाए, है ना, खेल के दौरान। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द रिजल्ट ऑफ द गेम। रिजल्ट जो अच्छा हो या खराब हो इसके लिए जिम्मेवार कैप्टन होता है। कपिल देव वाज कैप्टन एंड इन हिज कैप्टेंसी ही वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983 में वर्ल्ड कप जो है कपिल देव की बदौलत हमारे देश ने जीता था। अगेन इंडिया वॉन T20 वर्ल्ड कप 2007 में। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आपके कैप्टन थे, कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। ए गुड कैप्टन इज वन हु गिव क्रेडिट एंड रिकॉग्नाइजेशन टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो अपने टीम के सारे सदस्य का सम्मान करे, है ना, और उनकी प्रदर्शन के बारे में अच्छा खासा अनुभव उनका हो। ठीक है, अब यहाँ पर गेम्स एंड जेंडर, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि गेम्स और जेंडर हम लोग पढ़ेंगे। वेरी फ्यू गेम्स आर अवेलेबल वेयर गर्ल्स एंड बॉयज कैन प्ले टुगेदर। दुनिया में बहुत कम ही ऐसे गेम हैं जिसको लड़के और लड़कियां, औरत और मर्द दोनों के दोनों खेलते हों। इन टेनिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन मिक्स डबल इज प्लेड। आपको मालूम होना चाहिए टेनिस एक गेम होता है जिसमें मिक्स डबल खेला जाता है। गर्ल्स आर इन काउंटर इन करेज टू डेवलप देयर स्किल इन ऑल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एंड फ्यू हैव प्रूव इट। तो लड़कियां जो है वो भी काफ़ी नाम कमा रही है खेल की दुनिया में, है ना, और सारे तरह के खेल में उन्होंने अपने आप को साबित किया है। यहाँ देखिए कुछ फिगर दिखा है, ये साइना नेहवाल है, आप साइना नेहवाल को जानते होंगे, ये जो गेम खेल रही हैं इसका नाम है बैडमिंटन, बैडमिंटन की ये चैम्पियन है। फिर देखिए ये है अंजलि भागवत, अंजलि भागवत जो है शूटिंग राइफल, इनके हाथ में एक राइफल है, इससे वो निशानेबाजी बंदूक से जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता होती है उसकी यह चैम्पियन है। और ये देखिए हमारे देश की शान सानिया मिर्जा, ये आपके बैडमिंटन की चैम्पियन है। ठीक है, ये तीन जो आपको फिगर दिखाई पड़ रहे हैं ये बहुत ही अपने क्षेत्र में नाम किए हैं। इसके अलावे आप दंगल मूवी देखे होंगे, उसमें बबीता, और आपने बबीता का नाम सुना होगा, और संगीता है, बबीता है, इस तरह से चार बहनें हैं। ठीक है, चारों बहनें आपके बहुत ही अच्छा रेसलिंग में उन्होंने परफॉर्म किया। संगीता, बबीता, बड़े का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये लोग जो है गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल उसी घर से था, है ना। तो इस तरह से क्या है कि सानिया मिर्जा टेनिस, साइना नेहवाल बैडमिंटन, अंजलि भागवत शूटिंग, और एक आप गीता, हाँ याद पड़ गया मुझे नाम, गीता, गीता फॉगार्ट्स उनका नाम है। गीता फॉगार्ट्स के नाम ले करके
आप सभी बच्चों को गौरवान्वित होना चाहिए कि पहलवानी के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है ना, उन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स भारत के लिए जीते हैं, और आपको आश्चर्य होगा सबसे ज़्यादा उन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपने नाम जाना, हैव मेड अ ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री। ये हमारे देश में हमारे देश के नामी गिरामी औरतें हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जेंडर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, कि लड़का है या लड़की है, बस खेल प्रदर्शन जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, और खेल प्रदर्शन सही होने से उनका जीवन जो है सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग नेशनल टीम के बारे में, अगला वीडियो आपका बनेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग नेशनल टीम्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारे देश जो है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे बहुत सारे गेम का आयोजन करता है, यह एक कमाने का जरिया भी है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।